प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। की हाल चाल छै? ठीक छै। बच्चा के खेलबै छियै? हाँ। सुनलियै ये नया तरीका से गेहूं के बीज उपचार हो रहले हँ? हाँ, ठीके सुनलियै। हाँ। कहाँ होइ छै? मीरा दीदी एतऽ। देखबै हमहुँ? देखियै तऽ सिखबै कनिये। हाँ चलू देखा दै छी। चलू मीरा दीदी। प्रणाम। प्रणाम दीदी। दीदी धीरेन्द्र भैया एलखिन हन, इनका गहूम के बीज उपचार करे ला, कनी बता दियौन। ठीक दीदी, बता देबे। हाँ बता दियौन। दीदी हम सुनलियै कि जे बीज उपचार यहाँ होइ वाला छै। हमर नाम भेल धीरेन्द्र कुमार, हम झखरा मे VRP के रूप में काम करै छियै। तो कहलिए सीख लेबै आ सीख कर दीदी सबके बतेबै जे बीज उपचार नया तरीका से केना होइ छै, उहे सीखै ले हम एलियै हम दीदी। ठीक है भैया, हम अहाँके सिखा देब। दीदी सिखबै से पहिने कनी अपन परिचय दऽ देती तऽ बहुत बढ़िया होइते। ठीक है भैया, हम परिचय दे दै छी। सब दीदी भैया के प्रणाम। हमर नाम भेल मीरा देवी, ओम जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य छी, एकता जीविका महिला ग्राम संगठन के सदस्य छी। हमर गाँव के नाम भेल झखरा, थाना सराय रंजन, जिला समस्तीपुर। परिचय तो बहुत बढ़िया दीदी अहाँ दिलिये, खूब सुंदर परिचय दिलिये। आ बीज उपचार केना होइ छै से कनी बता देतियै तऽ बहुत बढ़िया होइते रहे। ठीक है भैया, बीजो उपचार बता देब। पहले चलू ने, बीज उपचार से पहले सामग्री ओहिमे की लगे छै से अहाँके समझा दे। ठीक ठीक चलू चलू बता दी। देखियो भैया, ई गेहूँ छै, एक एकड़ में 10 किलो बीया लगे छै। एक एकड़ में 10 किलो? हाँ 10 किलो लगे छै। अच्छा। आ एक कट्ठा में 500 ग्राम गेहूँ के बीया लगे। एक कट्ठा में 500 लगे? हाँ 500 ग्राम। वाह, बहुत कम बीज लगे छै। ई देखियो भैया, ई 1 लीटर पानी छै। पानी छै 1 लीटर? हाँ। ठीक छै। ई केचुआ खाद छै 200 ग्राम। ई केचुआ खाद? हाँ ई केचुआ खाद। कते छै? 200 ग्राम? 200 ग्राम। अच्छा केचुआ खाद। ई देखियो भैया, ई गौमूत्र छै। ई गौमूत्र छै? हाँ 150 ग्राम छै। 150 ग्राम? हाँ 150 ग्राम छै। अच्छा। ई देखियो भैया, ई गुड़ छै। गुड़ छै? हाँ 150 ग्राम छै। कते छै? 150? 150 ग्राम। अच्छा देखियो भैया, ई बीजामित्र छै। हाँ ई बीजामृत छै? हाँ बीजामित्र। अच्छा ई कते छै? 150 ग्राम छै। 150 ग्राम छै? वाह। देखियो भैया, ई पाउडर छै, ई फफूंदी जे लग जाइ छै बीया मे, ई नाशक पाउडर छै। अच्छा फफूंदी नाशक ई पाउडर छै? हाँ। अच्छा एकर नाम की छै? कार्बेंडाजिन। कार्बेंडाजिन नाम छै? हाँ। अच्छा ई देखियो भैया, ई पानी गरम करै लए स्टोव। अच्छा दीदी ई पानी गरम किया करै छियै? देखियो भैया, ई पानी गरम करै छियै जे गेहूं के बीया सुसुम पानी मे देबै। अच्छा। हाँ। ओहिसे की फायदा हेतै? गेहूँ जो सोल अवस्था में रहै छै ने। हाँ। उ जाग जाय छै। अच्छा सुसुप्ता अवस्था में रहै छै, उ जाग जाय छै। हाँ यही सुसुम पानी के लिए। अच्छा सुसुम पानी में बीज के डाले से ओकर अंकुरण बहुत अच्छा आबै छै। अच्छा अंकुरण होइ छै बढ़िया ने? हाँ भैया। अच्छा अंकुरण नीक होइ छै। देखियो भैया, ई सुसुम पानी छै, ई मे गेहूँ डालबै। सुसुम पानी छै ने? ई मे ई गेहूँ डालबै भैया। देखियो भैया, ई मे जे खराब बिच्ची छै ओ सब हम निकालि दै छियै। अच्छा खराब जे छै से सब ने? हाँ ई खराब बिच्ची सब निकालि दै छियै। ई मे जते खराब बीची रहै सब ऊपर चलि अयलै, बुझलियै? अच्छा खराबका खराबका बीज? हाँ ई सब ऊपर चलि अयलै, जे अच्छा बीज रहै ओ नीचे बैठ गेलै। हाँ सही मे नीचे बैठ गेलै, बढ़िआँ बीज जे छै से नीचा मे बैठ गेलै, खराबका सब ऊपर आबि गेलै ने। हाँ देखियो भैया, ई मे आब हम गुड़ डालै छियै। अच्छा गुड़ डालै छियै? हाँ। ई गुड़ डालै से की होइ छै फायदा? ई गुड़ देलियै ने भैया जे आब ई गेहूँ मे ताकत चलि अयतै गुड़ डालै से। अच्छा ई बीज मे ताकत आबि जेतै? हाँ बीज मे ताकत एतै। अच्छा उहे ले गुड़ मिलै? हाँ उहे ले गुड़ मिलेलियै। ठीक छै।
देखियो भैया एहिमे हम गौमूत्र मिलबै छियै बीज मे गौमूत्र मिलबै छियै। अच्छा गौमूत्र मिलबै छियै। हाँ। अच्छा ई गौमूत्र मिलेला से फायदा की होय छै दीदी? गौमूत्र जे मिलबै छियै ने भैया ती बीया मे जते होतै की कीड़ा मकोड़ा सब ओ कीड़ा मकोड़ा सब मरि जेतै। अच्छा ई बीज के कीड़ा मकोड़ा सब मरि जेतै। हाँ, ने इहे ले गौमूत्र मिलबै छियै। अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया है। देखियो भैया ई आब केचुआ खाद मिलबै छियै बीया मे। अच्छा केचुआ खाद मिलबै छियै। अच्छा केचुआ खाद मिलेला से फायदा की होय छै? केचुआ खाद जे मिलबै छियै भैया ताहिमे बीज के ताकत एतै। बीज के ताकत होय छै ने? ओहे ताकत ले बीज के ई केचुआ खाद मिलबै छियै। आइए से भोजन एकरा मिलऽ लागतै? मिलऽ लागतै। हाँ। अच्छा आइए से भोजन मिलऽ लागतै ताकत एकरा हेतै बीज के। देखियो भैया अभी सब मिला दिलिये बीज मे आब एकरा ढक के 8 घंटा लेल हम ठंडा में रखल जाय छी। 8 घंटा? हाँ 8 घंटा ले। अच्छा 8 घंटा के बाद फिर अहाँ एबै ने भैया तो एकर फिर आगू उपचार हम बता देब। अच्छा ठीक छै तो फिर हम 8 घंटा के बाद। हाँ। फिर एबै तो सीख लेबै बचला। हाँ, हाँ। ठीक छै। मीरा दीदी है? हाँ भैया। हाँ भैया अली कहलिए रे नहीं जे 8 घंटा के बाद अबे ले। रुको भैया हम बीज लो के आबे छी। ठीक छे लो के आबू। चलो भैया बता दे छी। दीदी 8 घंटा भ गेले आब हमरो देखा दियो। ठीक है दीदी बैठू। देखियो भैया एक बिया के पसा दे छी। पसैला के बाद अब एकरा 10 मिनट तक बोरा पर ठंडा में पसार देबे। अच्छा बोरा पर ठंडा में 10 मिनट तक पसार देबे। हाँ, ना हाँ पसार देबे। अच्छा अच्छा एकरा पसार लिए कथी ले? एकरा पसार लिए भैया ई ले जे एकर जे गीला ई पानी सब छे जे सूख जेते 10 मिनट में। अच्छा ओई ले पसार लिए? हाँ, ना ओहे ले पसार लिए। गिलगर जे छे रसगर जे छे से सूख जाते? हाँ रसगर हवा 10 मिनट लगते तो सूख जाते। सूख जाते। अच्छा देखियो भैया अभी 10 मिनट भ गेले ई अब बिच्ची सूख गेले है। देखियो। अच्छा ई पन्नी किया पहिर लिए? ई पन्नी पहिर लिए है भैया जे अब दवाई सब जे मिलेबे बिच्ची में तो दवाई एक तरह के जहर होय छे तो खाना ताना बनेबे या बच्चा खाना देबे तो गंदगी हाथ में रह जेते वह पन्नी पहिर लेलिए। ओ जे नाखून आर में नहीं लगते? हाँ, ना नाखून आर में नहीं लगते। अच्छा बहुत बढ़िया। देखियो भैया ई छे बीजा मित्र 150 ml। ई बीजा अमृत छे ना? हाँ बीजा। अच्छा ई मिलेला से की फायदा होय छे? ई मिलबे से बीज के ताकत मिले छे। अच्छा तो पौधा बढ़िया से विकास करे? हां एकरा जे रोपबै तो पौधा बहुत बढ़िया विकास करे। वाह बहुत बढ़िया छे तब तो आब हम हूं एनाहिते करबे भाई समूह के दीदी सब से। देखे भैया एकरा मिलाबै छी। अच्छा एकरा मिलबै छी ना? हाँ, जे सब बीज में ई एकर मिल जाते। हां अच्छा देखियो भैया ई फफूंदी नाशक पाउडर छी। अच्छा ई फफूंदी नाशक पाउडर? हाँ 2 ग्राम। हाँ। अंदाज से ई बिच्ची 500 ग्राम बिच्ची में। हाँ। मिला दे छी। अच्छा 2 ग्राम माने? हाँ, ना 2 ग्राम अंदाज। हाँ। से मिला दे छी 500 ग्राम बीज में। हाँ, हाँ। अच्छा ऐसे की फायदा हेतै? इसे बिच्चा में फफूंदी नहीं लगते। अच्छा फफूंदी ए में नहीं लगते? ना अच्छा भैया अब ती सब मिला लेलिए ओकर बाद एकरा बांध के 18 से 20 घंटा रख देबे ओकर बाद रोपनी करबे। अच्छा 18 से 20 घंटा एकरा बांध के रख देबे? रख देबे। हां ओकर बाद रोपनी तब की हेते? एमे अंकुरण आबि जते? अंकुरण आ जते आंच फूट जते एकर? ना अच्छा आंच फूट जते तब रोपे हेते 18 से 20 घंटा के बाद। देखियो भैया ई बीज आ बांध देलिए ना एकरा 18 से 20 घंटा तक छाया में रख देबे ओकर रखला के बाद ए पे पानी मारत रहबे जे नमी बनल रहे। अच्छा नमी बनल रहे द्वारा ए पे पानी के छिड़काव अहाँ करत रहे? हां पानी के छिड़काव करत रहबे। अच्छा अहाँ ई हमरा गेहूं के नया तरीका से बीज उपचार के बारे में जे बतेलिए तई के लिए अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद कि हमरा
एहि ढंग के तरीका से बतेलहुँ जे गेहूँ के बीज उपचार एहि ढंग से कयल जाइ छै आ हमहुँ जा कऽ समूह में दीदी सबके बतेबै जे इहे ढंग से आब खेती कयल जेतै। अच्छा संदेशो देबै दीदी भैया सबके? हाँ भैया देबै, नहि संदेश देबै। दियो संदेश। सब दीदी भैया से अनुरोध है जे बीज उपचार नया तरीका से करू और बहुत लाभ उठाबू। बहन गे जन जन में फैलाए भैया अपने गान गे जीवका